तो आईपीएल 2021 में डेविड वार्नर से कप्तानी लेने के बाद थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी वेल फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। पहले उन्होंने 2022 के मेगा ऑक्शन में केन विलियमसन की अगुवाई में टीम बनाई और 2023 आते आते अब वो केन विलियमसन और निकोलस पूरन दोनों को रिलीज कर चुके हैं, यानी कि जिसने परफॉर्म किया उसका पत्ता भी कटा और जिसने परफॉर्म नहीं किया वो भी टीम से गया। और अब आईपीएल 2023 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद को एक नए कप्तान की तलाश है। अब कुछ ऑब्वियस नाम्स हैं विच आर फ्लोटिंग अराउंड इन द क्रिकेट मार्केट, तो हम एक एक करके उन सभी नामों के बारे में बात करेंगे और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे हिसाब से एसआरएच का कैप्टन बनने के लिए कौन सबसे सटीक ऑप्शन है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन प्लेयर जिनको सनराइजर्स हैदराबाद के अगले कैप्टन के रूप में देखा जा रहा है इस सीनियर फास्ट बोलर भुवनेश्वर कुमार। अब भुवनेश्वर कुमार पहले भी स्टैंड इन कैप्टन के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई कर चुके हैं और इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो कि अभी भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और इस टीम को अगर आप देखो तो इसमें अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, इवन एडन मार्करम को अगर उस लिस्ट में ले लिया जाए, ग्लेन फिलिप्स को ले लिया जाए, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और खास करके आईपीएल एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से, टीम के वाइस कैप्टन की हैसियत से एक समय पर कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावा रख रहे हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के साथ परेशानी यह है कि उनकी फॉर्म और उससे भी ज्यादा उनकी फिटनेस, पहले भी उनकी फिटनेस को लेकर के कई इश्यूज रह चुके हैं और चूंकि वो फास्ट बॉलर है और चूंकि 14-14 मैचेस आप खेल रहे हो और आने वाले समय में इन मैचेस की तादाद और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद क्या भुवनेश्वर कुमार को कप्तान बनाएंगे, क्या उनकी फिटनेस के साथ रिस्क लेंगे, यह जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन एट द मोमेंट भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है। सेकेंड प्लेयर जिनके हैदराबाद के नए कैप्टन बनने का मामला पूरे मार्केट में जोरों शोरों से फैला हुआ है इस इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन बेंजामिन एंड्रू स्टोक्स। अब अगर आप मेरे चैनल पर लंबे समय से जुड़े हुए तो आप जानते होंगे कि इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर हैं बेन स्टोक्स। लेकिन क्या बेन स्टोक्स सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बन सकते हैं, क्या सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हें कप्तान बनाना चाहिए, ये दो बहुत ही सेपरेट क्वेश्चन है। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, दे हैव द बजट एंड They have this lots, लेकिन बेन स्टोक्स की पहली बात तो उनकी फिटनेस और आने वाले समय में उनकी अवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू हो सकती है सनराइजर्स हैदराबाद से। लेकिन अगर मैं कहूं कि एसआरएच के फैन अगर किसी खिलाड़ी को अपना कप्तान बनते हुए देखना चाहते हैं तो वो है बेन स्टोक्स, तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत लोग बेन स्टोक्स को एसआरएच के नए कैप्टन के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी फॉर्म और फिटनेस को तो आप एक तरफ रख ही दो, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी और साथ ही में एक कीमती ओवरसीज स्लॉट भी आप उनको देते हो और आगे जाते हुए वो कितना T20 क्रिकेट खेलेंगे, कितनी फॉर्म उनकी रहेगी और उसके साथ साथ क्या लीडरशिप के बर्डन को वो निभा पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है और आने वाले समय में आईपीएल की विंडो और बड़ी होने वाली है। ऐसे में बेन स्टोक्स को कप्तान बनाना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दोधारी तलवार हो सकती है। थर्ड प्लेयर जिनके हैदराबाद के अगले कप्तान बनने की बात बेन स्टोक्स के साथ ही मार्केट में फैली हुई है इज मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल पिछले साल तक पंजाब किंग्स के कैप्टन थे, लेकिन इस साल पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को रिलीज कर दिया है और ट्रेड विंडो में ऐसी बहुत खबर निकल करके आई थी कि सनराइजर्स हैदराबाद ट्राइड टू ट्रेड हिम फ्रॉम पंजाब किंग्स, लेकिन शायद बजट इशूज की वजह से उन्होंने ट्रेड नहीं किया। किस वजह से वो ट्रेड कैंसिल हुआ ये अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी अपडेट्स अभी भी निकल करके आती कि सनराइजर्स हैदराबाद माइट जस्ट टारगेट हिम इन द मिनी ऑक्शन, और क्योंकि उनके पास बजट है तो वो एक ओवरसीज ऑलराउंडर और एक अच्छा भारतीय खिलाड़ी दोनों को बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी टीम में गैप्स भी हैं, जैसे मैंने आपको उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी और स्क्वाड रिव्यू दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग प्लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन उनका पिछला साल इतना अच्छा नहीं रहा था। काइंड ऑफ ऐसा भी देखा गया था कि कप्तानी के बर्डन में उन्होंने कुछ ऐसे लिए जो कि बहुत अच्छे नहीं थे अगर आप उनको एनालाइज करो, और उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी पूरी तरीके से नीचे चली गई थी। ऐसे में क्या सनराइजर्स हैदराबाद उनको कप्तान बनाएगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फोर्थ एंड फाइनल प्लेयर जिनके सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बनने के चांसेस सबसे ज्यादा कम लेकिन मौजूद जरूर है इस एडन मार्करम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम को भी कई लोग सनराइजर्स हैदराबाद के पोटेंशियल कैप्टन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वो पहली बात तो सनराइजर्स हैदराबाद में रिटेन
कैप्टन हुए हैं। और अगर इस टीम के सबसे पावरफुल ओवरसीज प्लेयर के तौर पर उनको देखा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके अलावा सिर्फ ग्लेन फिलिप्स ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शायद एक ओवरसीज खिलाड़ी के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में पहले से जगह बना रहे हैं। और एक समय पर साउथ अफ्रीका के भी अगले कप्तान के रूप में उनको देखा जा रहा था, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में थिंग्स हैवंट गॉन हिज वे एज फार एज द लीडरशिप इज कंसर्न। लेकिन वो खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त हैं, वैसे तो मैं उनको ओपन करते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद साउथ अफ्रीका की तरह उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहा है, विच आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन क्या हैदराबाद उनको कप्तान बनाएंगे? देखिए, एज मच एज पीपल लाइक टू टॉक अबाउट इट, आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है या फिर उन्हें ऐसा करना चाहिए। बेन स्टोक्स तो फिर भी समझ में आता है बिकॉज इज अ मार्की इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेकिन आप एडन मैलक्रम के साथ एक ओवरसीज स्लॉट एज ए कैप्टन नहीं फंसाना चाहोगे, खास करके आपके पास जब बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आप देखना चाहोगे कि किन खिलाड़ियों को आप अक्वायर करके आते हो और उस हिसाब से आप अपने लीडरशिप के बारे में सोचना चाहोगे, उस हिसाब से अपनी लीडरशिप डिजाइन करोगे, क्योंकि आपके कोच भी बदल चुके हैं। ब्रायन लारा इज नाउ इन चार्ज, तो एडन मैलक्रम क्या कप्तान बनेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल कुड बी द परफेक्ट गाय टू लीड सनराइजर्स हैदराबाद इन टू द न्यू एरा। अब आई नो कि मयंक अग्रवाल का पिछला साल कप्तानी में बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन मैं फिर से पिछले साल की अपनी वीडियोस की बात रिपीट करता हूं कि मयंक अग्रवाल हैज इट टेक्स व्हाट इट नीड्स टू बिकम अ लीडर। उनको पंजाब किंग्स में देखिए फ्रेंचाइजीज क्या करती हैं, कप्तान वहां पर क्या करते हैं, प्लेयर को कितनी फ्रीडम मिलती है, क्या उनका लफड़ा है, ये आज तक पूरी तरीके से एक मिस्ट्री बनी हुई है। और मयंक अग्रवाल ने जब 2021 में केएल राहुल के जब पेट की प्रॉब्लम हुई थी, वो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, तो मयंक अग्रवाल ने एक मैच में कप्तानी की थी एंड दैट वाज द लास्ट गेम जब आईपीएल सस्पेंड हो गया था ड्यू टू द कोविड-19। तो मयंक अग्रवाल की कप्तानी मुझे वहां पर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी थी। उन्होंने उस मैच में रन्स भी बनाए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है और काफी ज्यादा गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। और प्रेशर में क्या वो रन नहीं बनाते, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ही इज एक्सपीरियंस, वो ऊपर से आकर के अटैक करते हैं, पेस अच्छा खेलते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, हैदराबाद की ओपनिंग परेशानी सुलझाने का सबसे बेहतरीन हल भी वही है। और उसके साथ साथ वो एक इंडियन प्लेयर है। मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर आपके पास इंडियन प्लेयर को कप्तान बनाने का ऑप्शन है तो आप हमेशा इंडियन प्लेयर के साथ जाओ, बिकॉज क्रिकेट इज गोइंग द फुटबॉल वे। यहां पर अब कप्तान सुप्रीम नहीं रहने वाला है, स्पेशली इन द फ्रेंचाइजी क्रिकेट इन द T20 फॉर्मेट। यहां पर कोच का, सपोर्ट स्टाफ का बहुत ज्यादा रोल होता है। आप खुद सोचो, एक कप्तान, एक प्लेयर अपनी बैटिंग पर ध्यान दे रहा है, टेक्निक पर ध्यान दे रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद वो बाकी की 9 टीम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाने बैठेगा? एक दिन आप ट्रैवल करते हो, अगले दिन मैच खेलते हो, फिर सुबह ट्रैवल करते हो, फिर अगले दिन मैच खेलते हो। यहां पर सपोर्ट स्टाफ, डेटा एनालिटिक्स, इनका बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो मयंक अग्रवाल मेरे ख्याल से उस रोल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं अगर आपका सवाल है कि क्या केन विलियमसन को कम दाम में खरीद करके दोबारा उनको लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दे सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, तो लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट कि ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से केन विलियमसन रिलीज किए गए और जिस तरीके का इमोशनल पोस्ट उन्होंने डाला अपने सोशल मीडिया पर, एक बात पूरी तरीके से क्लियर है कि अब सनराइजर्स हैदराबाद और उनके बीच बातचीत हो गई है और पूरा थैंक यू गुड बाय गया मामला सेटल हो गया है। और केन विलियमसन किस टीम में जाएंगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। लेटेस्ट में उनकी बहुत ज्यादा T20 फॉर्म भी अच्छी नहीं रही और मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद ने ठोकर खा के सीखा, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने सीख लिया। कुछ फ्रेंचाइजीज तो पूरे 15 साल से नहीं सीख पाई हैं कि एक बार जब आपकी एज बढ़ने लगती है, फॉर्म नीचे जाने लगती है, तो ड्रामेटिक आप फॉर्म चेंज की उम्मीद ना करो तो बेहतर होगा। ऐसे में केन विलियमसन क्या दोबारा हैदराबाद की कमान संभालेंगे? इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, मैं तो कहता हूं बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब बाकी 4 में से कौन हैदराबाद का कप्तान बनेगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की एनालिटिकल और ओपिनियन से भरी हुई वीडियोस आपके लिए लगातार आने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.